ठीक हो गया। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे क्या क्या, हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हो सकता है काफी लोगों को यहाँ पे शुरू की एक दो क्लासेस में लगे कि यार क्या बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो बेचारा फिर क्या करेगा। तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, दराज क्या है, दराज सेलर सेंटर किसको कहते हैं, दराज FBD क्या होता है, दराज FBM क्या होता है, दराज वेयर हाउस क्या होता है, दराज हब क्या होता है, दराज सेलर सेंटर पे हमें क्या मालूमात जो है वो देनी होती है, पैकेजिंग मटेरियल कैसा होता है, दराज सेलर सेलर को अकाउंट को हम एक्टिवेट किस तरीके से करवाते हैं, दराज पे हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेचनी चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीजें जरूरी होती है, प्रोडक्ट हंटिंग के मराहिल क्या क्या होते हैं, अपना प्रॉफिट कैसे चेक करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको पता चलेगा आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मार्केट में टूल्स हैं, जो एक्सटेंशन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको अपने सवाल दराज टीम से कैसे पूछे आपको ये पता चलेगा, दराज में हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, अगेन रिपीट हो गया है, प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम AI को यूज करते हुए किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिखेंगे, सारी चीजें आपको पता चलेगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या चीजें जरूरी होती है, प्रोडक्ट हमारी रैंक कैसे करेगी, एक्सटर्नल रिव्यू प्रोग्राम क्या होता है, प्रमोशंस क्या होती है, दराज से प्रमोशन की 5 एग्जाम कौन सी, एक्स फॉर्म क्या है, दराज पे एड कैसे लगता है, स्टोर की डेकोरेशन क्या होती है, FBD के जरिए दराज की तकमील कैसे होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे लगते हैं, हम टारगेट मार्केटिंग कैसे करते हैं, जो लोग प्रोडक्ट को पहले से सर्च कर रहे हो उन लोगों को हम टारगेट कैसे करते हैं, हमसे पहले कितने लोग एड लगा के हमारी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इस वक्त कौन सा पेज कितने एड लगा के बैठा हुआ है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह एडवांस हम फेसबुक कोर्स तक ये सारी चीजें हम लेके जाएंगे, ठीक है। कौन है ये, किसी का कोई सवाल आया था मेरे पास, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको कवर करवाऊंगा। अब आपने करना ये है कि ये सारी चीजें आपको पता चल गई है, अगर मैं इन चीजों को आपको ना करवा पाऊँ तो एज पर रूल फीस रिटर्न, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि कोर्स के दौरान ही आप सबकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन देखें दोस्त, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोर्स करवाऊंगा और जिस दिन कोर्स खत्म होगा अगले दिन से आपके अकाउंट में पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप कोर्स करेंगे, कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, दराज का अकाउंट बनाएंगे, और बाय द वे इसके साथ आपको होलसेल मार्केट का टूर भी करवाया जाएगा और 40 से ज्यादा होलसेल के व्हाट्सएप ग्रुपों में आपको ऐड भी करवाया जाएगा ताकि आपको सोर्सिंग में कोई मसला ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक बिजनेस समझ के जो है इसको आगे जाना पड़ेगा। माइक ऑफ नहीं रहेगा, हर क्लास के एंड के अंदर आपका माइक जो है मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप में से बारी बारी जिसका जो जो सवाल होगा वो अपना हैंड रेस करेगा, बारी बारी माइक अनम्यूट होता रहेगा, आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह और उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, आपने जो है वो हेडलाइंस तो देख ली है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ, ठीक हो गया। समझिएगा कि पहले लेक्चर के अंदर हमें देखना है कि कॉमर्स ई कॉमर्स क्या होती है, दराज क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे इंशाल्लाह। टोटल हम आज अपने 4 लेक्चर, 4 या 3 लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्लास मिस ना करें, हर क्लास आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आप कोई भी क्लास जो है वो मिस कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा, रिकॉर्डिंग में चीजें उस तरीके से समझ में नहीं आती जिस तरीके से लाइव क्लास में आती, ठीक है। हैंड रेस सबको करना आ गया होगा, जिसको हैंड रेस करना नहीं आता उसको बता दूं, आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप में चैट के बराबर में रिएक्शन का आपको एक जो है वो बटन नजर आ रहा है, रिएक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना हैंड रेस कर पाएंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल बेसिक सा तरीका होता है। चलते हैं सबसे पहले पहली क्लास के ऊपर, इंशाल्लाह आपके जो टोटल लेक्चर होंगे तकरीबन 11 लेक्चर के अंदर हम इस कोर्स को कवर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले सुनिएगा कि कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझ लें। हम कॉमर्स बड़ा सुनते हैं, ई कॉमर्स बड़ा सुनते हैं, लेकिन ये होता क्या है, समझिएगा कि प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स, खरीदने और बेचने के अमल को जो है वो कॉमर्स कहते हैं, ठीक हो गया। हम कभी भी किसी फिजिकल मार्केट में जा रहे होते हैं, हम देखते हैं वहां पे जो है वो काम चल रहा है, तो खरीदने और बेचने के अमल को हम कॉमर्स कहते हैं। और इसी तरीके से जब ई लग जाता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जब ये खरीदो फरोख्त इंटरनेट की दुनिया में हो रही होती है तो हम इसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, ये हो गई कि क्लास के एंड में
मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करके कोई भी सवाल क्लास से रिलेटेड किसी से भी पूछ लूंगा, आपको उसका जवाब आना चाहिए, ठीक हो गया? आप सब यहाँ पे सीखना है, तो जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं आपको आगे नहीं ले जा पाऊंगा, ठीक है? सो खरीदने और बेचने का मल को, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक वे में होगा, जब ई कॉमर्स होगा, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जब भी खरीदो फरोख्त होगी उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? तो ये था बेसिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। उसके बाद दराज क्या है? दराज देखिए साउथ एशिया की लीडिंग मार्केट प्लेस है, ठीक हो गया? अब ये समझिएगा कि एक होता है मार्केट प्लेस और एक होता है वर्चुअल मार्केट प्लेस, ठीक है? दोनों में फर्क ठीक है, थोड़ा सा वॉइस में इशू आ गया था, मेरा इंटरनेट स्विच हुआ है। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, आवाज क्लियर हो चुकी है। हम यहां से एक सेकंड स्क्रीन को वापस से देख लेते हैं। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? ठीक है, सो कॉमर्स और ई कॉमर्स आप सबने समझ लिया था, मुझे काइंडली बता दीजिएगा। कॉमर्स और ई कॉमर्स सबको समझ में आ गया था? ठीक है, सो कॉमर्स और ई कॉमर्स के बाद हमारे पास है दराज। दराज क्या होता है याद रखिएगा, दराज इस टाइम साउथ एशिया की लीडिंग वर्चुअल मार्केट प्लेस है। इस वर्ड को समझिएगा कि मार्केट प्लेस और वर्चुअल मार्केट प्लेस, इन दोनों में फर्क होता है। जिस तरीके से कॉमर्स और ई कॉमर्स में फर्क है, इसी तरीके से मार्केट प्लेस और वर्चुअल मार्केट प्लेस में फर्क होता है। जब भी हम फिजिकल, जैसे हम इम्तियाज जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो क्या है? इम्तियाज एक मार्केट प्लेस है। लेकिन अगर यही इम्तियाज इंटरनेट की दुनिया में होता है, इसकी फिजिकल बिल्डिंग ना होती, तो हम इसको वर्चुअल मार्केट प्लेस कहते हैं। जैसे कि दराज, दराज का कोई मॉल नहीं है, दराज को आपको कोई नजर नहीं आएगा कि भाई एक बड़ा सी बिल्डिंग है वहां पे दराज के सारे सेलर बैठे हैं, जाके शॉपिंग करो, नहीं। दराज वर्चुअल मार्केट प्लेस है, सारे सेलर ऑनलाइन बैठे हैं, एप्लीकेशन पे बैठे हैं, वेबसाइट पे बैठे हैं, तो हम इसको वर्चुअल मार्केट प्लेस कहते हैं। दराज के ऊपर 20 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 100 से ज्यादा कैटेगरीज हैं इसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर। और इस दौर के अंदर दराज का जो मिशन है, दराज का जो विजन है, वो ये है कि लाखों बायर और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दराज पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका में भी मौजूद है। दराज को अलीबाबा ग्रुप ने, जो जैक मा की कंपनी अलीबाबा, उसने खरीद रखा है, ठीक हो गया? अब बात करते हैं दराज स्टोर की फीस कितनी है। याद रखिएगा, दराज आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है स्टोर बनाने के। आज 20 जून 2023 को जब मैं बता रहा हूँ, तो दराज आपके स्टोर बनाने की कोई फीस चार्ज नहीं करता। लेकिन जब आप कोई चीज बेचते हैं तो उस पर दराज कमीशन लेता है। अब किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन देना होगा, इंशाल्लाह वो हम आगे जाके उस लिस्ट को निकालना भी सीखेंगे, उसको देखना भी सीखेंगे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर दराज हमसे कितना कमीशन जो है वो चार्ज करेगा। अब बात कर लेते हैं भाई, ये दराज सेलर सेंटर क्या बला होती है। याद रखिएगा, दराज सेलर सेंटर एक प्लेटफॉर्म है दराज की तना, जो कि दराज ने बनाया, लेकिन ये आम बंदों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो दराज के ऊपर बेचना चाहते हैं, दराज पे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि जिस जगह से आप अपनी दराज की पूरी दुकान को मैनेज करते हैं, अपने ऑर्डर्स को देखते हैं, अपने प्रोडक्ट को देखते हैं, अपनी प्रोडक्ट अपलोडिंग को देखते हैं, अपने फाइनेंस को देखते हैं, प्रोडक्ट एडवाइजर को देखते हैं, बिजनेस एडवाइजर को देखते हैं, ओवरऑल पूरी दुकान दराज की, आप जिस जगह से जहां से मैनेज करते हैं उसको हम दराज सेलर सेंटर कहते हैं, ठीक हो गया? अब ये दराज FBD क्या होता है? FBD का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय दराज। जो भी लोग इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट दराज पे बेचना शुरू करी और आपके बहुत ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो दराज आपको फैसिलिटी देता है FBD, यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज। दराज कहता है कि अपनी प्रोडक्ट के कुछ चंद सौ पीस हमें भिजवा दो, अपने 50, 100, 200 पीस दराज के वेयर हाउस भिजवाती है। अब दराज क्या करेगा, अब आपका जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, दराज आपका एक पार्सल निकालेगा, पैक करेगा, भेज देगा, निकालेगा, पैक करेगा, भेज देगा। जब आपका इन्वेंट्री खत्म होने वाली होगी, दराज आपको ईमेल कॉल करके बता देगा भाई आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, आप वापस से भेजें, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे लग जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, ऑर्डर आएंगे खुद ही दराज भेजता रहेगा, आपने इसे अपने फाइनेंस पे नजर रखनी है और अपनी इन्वेंट्री के ऊपर नजर रखनी है। ठीक हो गया, याद रखिएगा हर बंदा एफबीटी के लिए एलिजिबल नहीं होता, आपके पास जब ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, जब एक अच्छी क्वांटिटी में ऑर्डर आते हैं तो आप एफबीटी जब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा कि एफबीटी काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले जब आप एलिजिबल होते हैं तो दराज की तरफ से आपके पास ईमेल या कॉल आती है, बताते हैं कि आप जो है वो एफबीटी के लिए एलिजिबल है। आप अपनी एक इनबाउंड ऑर्डर रिक्वेस्ट बनाते हैं, उसके बाद आप उस रिक्वेस्ट के अप्रूव होने का वेट करते हैं। दराज की तरफ से आपके पास कॉल या ईमेल आती है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है, पार्सल भेज दें, फिर आप अपनी प्रोडक्ट जो है दराज के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। अब आपने से अपनी इन्वेंट्री पे ट्रैकिंग पे नजर रखनी है, अपने एफबीटी पोर्टल पे नजर रखनी है और आपने आराम से फुलफिलमेंट भाई दराज के ऊपर अपना काम करते जाना है। ठीक हो गया, अब समझेगा दराज वेयर हाउस क्या होता है। जो लोग एफबीटी करते हैं यानी कि फुलफिलमेंट भाई दराज करते हैं, उन लोगों को एक बड़े दराज उनकी प्रोडक्ट एक बड़े गोदाम में रखता है, उस गोदाम को जो है वो दराज का वेयर हाउस कहते हैं। एफबीएम क्या होता है, एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आप मर्चेंट है, आप ऑर्डर को खुद फुलफिल करेंगे तो वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहलाता है। ठीक हो गया, अब समझिएगा हमें दराज सेलर सेंटर पे क्या मालूमत देनी होती है, यानी कि जब हम दराज की दुकान बनाते हैं हमें क्या मालूमत देनी होती है। बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि अगली क्लास में आपको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अपनी दुकान या घर का पता आपको जो है वो देना होता है। ठीक है, दुकान या घर का पता मतलब यानी कि अगर आपकी कोई पहले से दुकान है, आप उसी दुकान से अपनी दराज की दुकान भी ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर की कोई पंचायत ना हो तो आप दुकान का एड्रेस देंगे, लेकिन अगर आप अपने घर से अपने दराज का स्टोर चलाना चाहते हैं तो आप अपने घर का पता देंगे। ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड की दोनों तरफ की तस्वीरें, ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड में मौजूद नाम वो देना होता है, अपना बैंक अकाउंट नंबर आपने देना होता है और अपने बैंक अकाउंट की चेकबुक की एक तस्वीर आपने देनी होती है। जिनका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ वो इजी पैसा के जरिए भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल क्या है, अपनी प्रोडक्ट को पैक करके ग्राहक तक पहुंचाने और चीजों जिनके इस्तेमाल में आप अपनी प्रोडक्ट को पैक करते हैं वो पैकेजिंग मटेरियल कहलाती है। यानी कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसको जब पैक करेंगे, जिस मटेरियल में पैक करेंगे वो पैकेजिंग मटेरियल होता है। पैकेजिंग मटेरियल के टाइप्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, रैपिंग पेपर है, बबल रैप है, ठीक है, कार्डबोर्ड साइड से फ्लायर्स है, बॉक्सेस है, या आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी बड़ी है उस हिसाब से आप अपना पैकेजिंग मटेरियल दराज से ऑर्डर करते हैं। ठीक हो गया, दराज सेलर सेंटर को एक्टिवेट कैसे करवाते हैं, जब आप दराज को अपना स्टोर बना लेते हैं सारी चीजें सबमिट कर देते हैं, आपका दराज का स्टोर अप्रूवल पे चला जाता है, विद इन टू डेज दराज की टीम उसको वेरीफाई करती है आपकी डिटेल्स को और आपका स्टोर अप्रूव हो जाता है। कोई गलती होती है, कोई चीज अप्रूव नहीं होती तो दराज की टीम आपको जो है वो ईमेल भी भेज देती है या कॉल करके बता देती है कि भाई आपका स्टोर अप्रूव नहीं हुआ है, आपने ये चीजें चेंज करनी होंगी। ठीक हो गया, अभी समझिएगा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, उसके बाद हम जो है आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लाइव बैठ के आप सबका दराज का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ काम करने, उस काम को नोट कर लें। सबसे पहले तो नेक्स्ट क्लास आप सबने लैपटॉप में लेनी है, मोबाइल में कोई भी नेक्स्ट क्लास नहीं लेगा, सिर्फ ये नेक्स्ट क्लास के लिए, उसके बाद भले आप मोबाइल में ले लीजिएगा। कल अगर आप क्लास अपने लैपटॉप में नहीं लेंगे तो आपका दराज का अकाउंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, नंबर टू, आपके लैपटॉप में पहले से आपके चेकबुक की तस्वीर, आपके NIC की फ्रंट और बैक तस्वीर होनी चाहिए। लोगों को सही तस्वीरें लेना नहीं आती, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स कैमरा डाउनलोड कर लें, उससे तस्वीर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको क्रॉप कर देगा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नंबर थ्री, अगर जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, चेकबुक नहीं है, वो अपना इजी पैसा का अकाउंट बनवा लें, अगर बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका इजी पैसा का अकाउंट ऐड कर दिया जाए। नंबर फोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सब ने अपने दराज के स्टोर के पांच नाम सोच के आने, पांच नाम याद रखिएगा। आपके दराज के स्टोर का जो नाम है वो किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई ना कर रहा हो, ग्लास मैनियो, अरे बात समझ में, गिलास आ गया भाई ये तो गिलास ही बेचता है, ठीक है, ब्यूटी स्टोर, इस तरीके का नाम ना हो जो किसी एक खास प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करो, क्योंकि हम जब आपको होलसेल मार्केट का विजिट करवाएंगे, आपको ग्रुपों के अंदर ऐड करवाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी आपका पीरियड है सीखने वाला, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर ऐसा नाम रख देंगे जो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई हो तो वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो आपने ऐसा नाम रखना है जो आपके किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई ना करे, जैसे जस्ट खरीदो, बस खरीदो, इस तरीके का नाम हो जो अच्छा भी हो, रिदम में भी हो, कस्टमर के मुंह पे भी चढ़ जाए और किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई भी ना करो। अब अगर किसी का कोई सवाल है वो अपना हैंड रेस कर ले, मैं बारी बारी जो है वो आपके माइक को अनम्यूट करता रहूंगा। जी अमीन अली,
आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मेरा अकाउंट खुला हुआ है दराज पर। अगर आपका अकाउंट पहले से दराज पर बना हुआ है कोई मसले वाली बात नहीं है। एक दो क्लासेज ऐसे लेते रहे, जब हम एडवांस कोर्स की तरफ जाएंगे, रैंकिंग की तरफ, हंटिंग की तरफ, एड्स की तरफ, फिर आपका काम शुरू होगा। जिसका बना हुआ है वो फिर थोड़ा सा वेट करे क्लासेस लेकर। ओके डन। इसके अलावा और किसी का कोई और सवाल तो अपना हैंड रेस कर ले। हैंड रेस करने के लिए रिएक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको हैंड रेस करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। जी सलार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो मैं जिस अकाउंट पे कर रहा हूँ ना, मेरा अभी तक ना CNIC बना हुआ है और ना ही मेरा कोई बैंक अकाउंट है। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए ये CNIC और बैंक अकाउंट ये कोई और देगा? आप जो है ना अपने घर में किसी के नाम पे अकाउंट बनवा लीजिए। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये जानना था, आपने जो पहले ये पैकेजेस वगैरह के बारे में बात की थी ना, तो ये हमें ये दराज ही प्रोवाइड करेगा ये सारे पैकेजेस वगैरह, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हो तो? और चार्जेस ये कितनी लेगा, इसके अलहदा चार्जेस होंगे? बिल्कुल, पैकेजिंग मटेरियल में आपको ऑर्डर करना सिखाऊंगा। हम इसको दराज से ऑर्डर करेंगे, यूजुअली मार्केट से कम रेट दराज से मिल जाता है पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसकी क्लास में पहुंचेंगे तो उसके हम पूरी डिटेल में उस पे बात करेंगे। और सर ये दराज के वेयरहाउसेस के बारे में अगर आप बता देते तो कि ये कहां पर होते हैं पाकिस्तान में, मतलब कौन से शहर में, कि हम अपने प्रोडक्ट को? सबसे आसान तरीका है दराज वेयरहाउस का पता करने का कि आप सबसे पहले आए गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल पर आए और यहाँ पे आप लिखे दराज हब नियर मी, ठीक है। आप सबसे करीब जो दराज के हब होंगे वो आपके पास आएंगे। देखिए मेरे पास सबसे गुलशन इकबाल में आ रहा है, फिर शारे फैसल पे आ रहा है, फिर एक यहाँ पर आ रहा है। तो आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको आपके सबसे नजदीक जो दराज के हब होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है जी सर। और सर अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे तो ये हम खुद पैक करेंगे कि दराज के पास ये सर्विस है वो प्रोडक्ट हमारे लिए पैक करने की? देखिए अगर आप FBT कराएंगे तो दराज आपके लिए पैक कर देगा, लेकिन FBT पे हम बाद में चाहेंगे, अभी आप स्टार्टिंग में खुद ही करेंगे सारा काम। जी सर, ठीक है। ताकि आपको प्रोसेस चले कि ई कॉमर्स बिजनेस काम किस तरीके से करता है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। माइक अपना म्यूट कर लीजिएगा। जी 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 शाहरुख जी, देखिए मेरा भी अकाउंट खुला हुआ है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। मेरे दो क्वेश्चन थे और शायद वो एडवांस क्लास के लिए हो। एक तो मैंने पार्सल वगैरह करा था, मेरा एक पार्सल रिटर्न आया मगर प्रोडक्ट अंदर से चेंज थी, मतलब दैट वाज अ फ्रॉड और जो भी हैपन हुआ ना, मुझे नहीं पता था उसकी वीडियो बनानी चाहिए थी क्या, इन्होंने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जबकि वो एक जेन्युइन क्लेम था। एक तो ये चीज, दूसरी चीज कुछ प्रोडक्ट मैंने एक दो लगाई थी जिसकी एक की कॉस्ट अराउंड 150 रुपए थी, मगर वो अगर सिंगल ऑर्डर आता था तो मुझे वो पहुंचाना और वो मैं देखता था कि यार ये तो पेट्रोल में ही मेरे चीज जा रही है, तो ये एक चीज मैं लैक कर रहा था एक्सपीरियंस। ये दो चीजें मेरे क्वेश्चन है। इंशाल्लाह
इस चीज को हम जब हंटिंग की क्लास करेंगे ना, हंटिंग की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एक छोटी प्रोडक्ट है, लेट से 50 रुपए वाली, 30 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, उस प्रोडक्ट को हम मैनेज कैसे करें, हब पहुंचाना है, फिर उसको सोर्सिंग करनी है, इस चीज, ये सारी चीजें मैनेज कैसे होगी, इंशाल्लाह ये हम एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी मुदस्सिर जिया, जी मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग कराची से किसी और सूबे में हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो उन तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम दराज पे सेल करेंगे बल्क में, उनकी अवेलेबिलिटी का कैसे वो हम तक पहुंचेंगी। अब मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स मैंने सेल करनी है वो उनका सोर्स क्या होगा। देखिए इसका तरीकेकार ये हो, खैर ये तो आगे की क्लास के सवाल है, लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया होगा ये कि हम जितने भी लोग कराची में, कराची से आना चाहेंगे, सबको होलसेल मार्केट का फिजिकल टूर करवाएंगे, सबके होलसेल के ऊपर हमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी करवाया जाएगा, हर ग्रुप का ऐड भी मौजूद होगा, आपको किसी भी ग्रुप से कोई भी प्रोडक्ट मंगवानी, इनको बोलेंगे, अपना एड्रेस देंगे, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे, किसी भी इलाके में होंगे, आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू जी। सर कोई सवाल? जी सर, सर मेरा भी यही सेम था कि एक दफा मैंने जो है ये सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाया था, उनके एक बंदे ने मुझे कॉल भी की थी, लेकिन फर्दर मैंने उस पर कोई काम वगैरह किया नहीं था। तो क्या ये सेलर सेंट्रल अकाउंट हम एक ही दफा बना सकते हैं दोबारा, मगर 3-4 वगैरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही नंबर पे या एक ही ईमेल पे ही बनेगा? देखिए एक नंबर पे एक ही अकाउंट बनता है, अगर आपने पहले से बनाया हुआ तो आप उसी अकाउंट को जो है वो यूज करेंगे। जी सर, तो इससे सर कोई इशू तो नहीं होगा, ये एक्सपायर तो नहीं होता है, मतलब अगर यूज ना करे तो? नहीं नहीं कोई इशू नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक हो गया। इसके अलावा किसी और कोई सवाल? जी अमीन अली। बस मैं ये कह रहा था, आपने कहा एक मिनट, बस आप कह रहे थे कि इजी पैसे में भी अकाउंट खुल जाता है दराज में ना? जी जी। तो वो चेक का लीव मांगते हैं, उसके लिए इजी पैसे का तो नहीं होगा? देखिए चेक मांगते, चेक के जगह पे हमारा जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है ना इजी पैसे की, उसका स्क्रीनशॉट डलता है, वो चेक की जगह पे इजी पैसे का स्टेटमेंट चलेगा जी, वो ईमेल पे हम डाउनलोड कर ले। यूं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी सहरिश, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम दराज पे अपना अकाउंट बनाते हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर हमें कोई एक ही सोर्स करना है उसी को हम सेल कर सकते हैं? आप मल्टीपल प्रोडक्ट भी सेल कर सकती हैं। ओके ओके थैंक यू। जी मोहम्मद वकार, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा अली भाई, ये पूछना था कि एक मेरी हेल्थ की प्रोडक्ट है, उसको उसका मैं लेदर से स्टोर बनाऊंगा ना, उसको मल्टी प्रोडक्ट्स में तो नहीं रखूंगा? बिल्कुल आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसी। आवाज ड्रॉप हो रही है,
अपना सवाल रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बकार। मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ के लिए मुझे अलग से स्टोर बनाना पड़ेगा कि मल्टी प्रोडक्ट्स में हेल्थ की प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, पेन रिलीफ ऑयल के बारे में कह रहा हूँ। देखिए हेल्थ की अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे ना, अगर तो दराज ने बैन की हुई होगी लोकल सेलर के लिए, तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे, आपको उसके लिए दराज मॉल के लिए तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ब्यूटी कैटेगरी पे जैसे दराज ने बैन लगाया, ब्यूटी की प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेच सकते, तो हेल्थ पे आप चेक कर लीजिएगा, अगर बैन नहीं लगा हो तो आप उसी पे बेचे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दराज के अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, दराज के अलावा भी बेच सकते हो, हम आप फेसबुक का आपका स्टोर बनवाऊंगा, आपको फेसबुक पे बेच। देखें ये कोर्स जो होगा ना, हम इसमें दो चीजें कवर करेंगे, एक कि हम दराज पे किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचेंगे, एक हम किस तरीके से जो है वो फेसबुक वाला बिजनेस लेके चलेंगे। हमारा फेसबुक का बिजनेस अलग चलेगा, दराज का अलग चलेगा। तो फेसबुक पे तो आप कुछ भी बेच सकते हैं ऐड लगा के, ठीक है, दराज पर आपके पास लिमिटेशन होती है। अच्छा, हमारे पास है मुदस्सिर जिया जी। मुदस्सिर सर, मेरा क्वेश्चन हो गया था, मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर आ गया है। अच्छा, अरे शाह आपका भी सवाल हो गया था, जिनका हो गया था वो हाथ नीचे करें ना, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, इतनी देर तक हाथ उठा के रखेंगे, मुझे पता तो चल रहा ना किसका सवाल। जी मोहम्मद वकार। अली भाई, मैं पूछना ये था कि दराज के अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? चले, ये आपने बता दिया कि आप हम करेंगे साथ में, फेसबुक को लेके भी चलेंगे, इसके अलावा दराज के अलावा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना शॉपिफाई के बारे में, अगर पूछना हो पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। चलें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं ब्रांड पे काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ इशू आ रहे थे तो करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। ठीक है, जी उजैर। अच्छा अजय भाई, ये कंफर्म करवाना था कि ये वॉइस जो है ना वो बीच बीच में जो है ना वो कट रही है, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हमें मिलेंगे तो उसमें क्या आपकी प्रॉपर लेक्चर होंगी? जिस तरीके से हमारी क्लास चल रही है उसी तरीके से आपको रिकॉर्डिंग भी आए। देखिए रिकॉर्डिंग में होता है कि आपका नेट कभी कभार स्लो होता है तो आपका आवाज कट के आ रही होती है, लेकिन मेरा नेट सही चल रहा है, बाकी लोगों का आवाज सही आ रही है, तो रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से हो रही है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस अली भाई, क्योंकि हमारे यहाँ ये नेट का जरा प्रॉब्लम है इसी वजह से। ठीक है जी, थैंक यू। जी हमजा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये मेरा जो है ना सर थोड़ा चेक का जो है ना मसला आ रहा है, मतलब बकरा ईद के बाद ये मिल जाएगी तो फिर पीर वाले दिन जो है ना चेक मिल जाएगा मुझे, तो इसका कोई इश्यू तो नहीं है सर?
नहीं नहीं कोई इशू नहीं होगा, आप इजी पैसा भी बना सकते हैं, चेक होना जरूरी नहीं है आपके पास, जिसके पास बैंक अकाउंट का मसला है वो इजी पैसा बना ले। तो सर अब जो बैंक जो इजी पैसा है वो फिर मेरे बड़े भाई के नाम पे है ना सिम, और जो जिस हफ्ते मैंने जो है ना ये अकाउंट खोला है नया वाला, तो वो मेरे उस पे CNIC के नंबर पे। ठीक है, तो इसका कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं कोई इशू नहीं होगा। ठीक है सर, जज़ाकअल्लाह जी मुनीजा। जी मुनीजा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया माइक अनम्यूट करने का, आप सवाल कर सकती हैं। अपने माइक पे एक दफा क्लिक करेंगे तो आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो जाएगा। मैं जब तक शाहरुख का सवाल ले लेता हूँ। जी शाहरुख। जी सर, एक तो मुझे ये मेकअप प्रोडक्ट आपने बोला इसका मैं पूछना था कि बैन तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा अगर कोई इसमें काम करना चाहता है? शाहरुख आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है जी? अच्छा, मैं ये कह रहा था मेकअप प्रोडक्ट्स का जो आप कह रहे हैं के बैन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। तो अगर इसको किसी ने सेल करना हो तो उसके लिए क्या करना हो? कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? मेकअप प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मेकअप। अब ब्यूटी प्रोडक्ट अभी फिलहाल बैन है, अगर आपने बेचना चाहते तो आपको अपनी एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, आपको जो है वो अपना ट्रेडमार्क बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप डी मॉल खोलेंगे, उसके बाद आप जो है ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक फाइनल ये है कि मैं सैटरडे क्लास में, मेरे लिए पॉसिबल जरा मुश्किल अगर हो तो इसका क्या अदर ऑप्शन है? कोई और आपका दिन भी होती है क्लास? ऑप्शन यही है कि आपको इसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आप कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड क्लास में जो भी आपके सारे चीजें में उसको कवर करें, कोई चीज रह जाती है, कोई सवाल रहता है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी अहमद। जिनके सवाल होते जा रहे हैं वो हैंड अपना जो है ना वो नीचे करते जाएं ताकि ना क्लियर होता रहे कौन कौन रह गया। जी अहमद। ओके, सबके सवाल हो चुके हैं तकरीबन। अमीन अली आपका सवाल आ जी। बॉस मैं ऑलरेडी सेलर हूं ना, ठीक है, तो मुझे ग्रुप में डाल लेंगे जो होलसेलर ग्रुप है? हां, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सबको एक साथ साथ लेके चलेंगे ना, वरना सब आगे पीछे हो जाएंगे। नहीं एक्चुअली मेरी शॉप चल रही है ना, तो उस पे मेरे लिए कोई सपोर्ट हो जाएगा तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम जो है वो हंटिंग की क्लास पे आ जाएंगे, तो आप फिर आप ग्रुप में आपको एंटर किया जाएगा। नहीं तो मेरी प्रोडक्ट अपलोड हो सकती है ज्यादा से ज्यादा अगर पॉसिबल हो तो? हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ही तो अपलोड नहीं करनी, दराज की साइंस को समझे, हम लोग दराज को आज तक समझे ही नहीं है। हम समझते हैं कि 100-150-200 प्रोडक्ट भी ग्रुप से उठा के डाल देंगे, जब ऑर्डर आएगा हम जाएंगे सदर, जाके अपनी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, दराज को डिलीवर कर देंगे। इतना आसान है नहीं जितना आसान है। हमने सिर्फ 4 प्रोडक्ट दराज पे अपलोड करनी है, हर प्रोडक्ट से आपका प्रॉफिट महीने का 30-35,000 रुपए होना चाहिए, आप 1-1.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। ठीक, हम बिल्कुल सिंपल रख के चलेंगे दराज के बिजनेस को, खिचड़ी नहीं पकानी है, इन्वेंट्री नहीं भर देनी है, इसके ही उस ला के लात नहीं देने दराज के ऊपर, सिर्फ 4 प्रोडक्ट निकालेंगे, 4 विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकाल दिए इंशाल्लाह आपको हंटिंग की क्लास में पता चल जाएगा, वो 4 प्रोडक्ट आप निकाल कर लाएंगे आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चल ठीक है, ठीक है जी मुनीजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे एक्चुअली, जो है ना मैंने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था ना अपने व्हाट्सएप नंबर से, तो
तो उससे हुआ ये कि वो कुछ प्रॉब्लम्स आई और वो मुझे जो है ना मैं कंटिन्यू उसको नहीं कर पाई, मुझे समझ में नहीं आया कि आगे फर्दर उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो जो है ना मैंने छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया था। तो अब उसमें हुआ ये है कि अब मैं जब वीडियोस देखती हूँ और दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ तो वो अकाउंट मेरा बन नहीं रहा है दराज का, ठीक है। तो ये सर एक प्रॉब्लम है, और दूसरा ये कि मेरा बैंक अकाउंट तो नहीं है, और अब अगर आप कल ही अकाउंट बनवाएंगे तो उसके लिए जो है वो इजी पैसा से किस तरह से होगा, और अगर क्योंकि मेरा इजी पैसा भी उसी नंबर से बना हुआ है जो नंबर मैं दराज को प्रोवाइड कर चुकी थी अपना अकाउंट बनवाने के लिए ना। ठीक है, तो आप पुराने अकाउंट को रिकवर आपने पहले बनाया। जी जी, क्या करूँ सर उसको? आप अपने पुराने अकाउंट को रिकवर जो आपने बनाया था, इसका आसान तरीका ये कि आप नंबर और ईमेल चेंज करके दूसरा अकाउंट बना ले अपना। मतलब उसमें जो जीमेल्स हैं उसके उसका आप कह रहे हैं कि ईमेल चेंज कर दूं मैं? बिल्कुल, आप जिस ईमेल ना आप अपना ईमेल और नंबर चेंज कर दें दूसरा अकाउंट। अच्छा, ठीक ठीक। और सर मैं ये कह रही थी कि एज अ वुमन मतलब हम लोग बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते ज़्यादा, हम मतलब जो है ना दुकानों पे जाके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सदर और इस तरह, तो ये हम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मैं, तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा कि मतलब चलें एक दफ़ा तो मैं विज़िट कर लूँगी लेकिन उसके बाद नहीं हो पाएगा? भले ना करें, आपने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप आपने ग्रुप से सेंड करनी है, उसके बाद एडमिन आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देना, उधर से आपका सामान आपके घर पर आ जाएगा आपको। सही। अच्छा सर, ये जो आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताई सारी के मतलब अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप दोबारा बताएंगे या हम जो है ना वो वीडियो मैं वापस बता देता हूँ आपको? आपके आपने जो क्लास है वो लैपटॉप में ले ली, सबको सुन ले एक दफा मैं रिपीट कर दूं, नेक्स्ट लैपटॉप के अंदर लेंगे। नंबर टू, आपके लैपटॉप जैसे आपकी NIC की फ्रंट और बैक तस्वीर होनी चाहिए, आपके चेकबुक की तस्वीर होनी चाहिए, चेकबुक आपके इजी आपके पास होना चाहिए, और हम लाइव बैठ के इंशाल्लाह सबका दराज का अकाउंट बनवाएंगे और सबका इंशाल्लाह हाथ के हाथ अकाउंट बन जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये बेसिक से आपके रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा आपने अपनी दराज की दुकान के 5 नाम सोच के आने, ठीक है, और ऐसे नाम जो किसी प्रोडक्ट को। सर आपकी आवाज थोड़ी सी, मेरे नेट का थोड़ा सा इशू है, आप एक काम कीजिएगा, आप इसको रिकॉर्डिंग को वापस देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सही। और सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, मतलब जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे हम तो उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबका अकाउंट बिल्कुल फ्री बनेगा। सही। और सर जो आपने कहा कि हम जैसे 5 नाम आपने बताया कि सजेस्ट कर सकते हैं, तो इन नामों पे आप थोड़ी सी रिसर्च करके आएंगे अपने स्टोर के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने दराज की दुकान के लिए। तो सर हम प्रोडक्ट के नेम्स लिखेंगे, स्टोर का नाम अपने नाम से क्रिएट करेंगे, दुकान का नाम आपने सोच के आना है। आप गूगल से हेल्प ले लें, चैट GPT से हेल्प ले लें, अपना ई कॉमर्स नाम तो सोचना, याद रखने लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए नाम, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अच्छा सर, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? जस्ट खरीदो, बस खरीदो। अच्छा ठीक। ऑनलाइन कार्ट, बाय एवरीथिंग, बाय नाउ, कार्ट नाउ, बहुत सारे। सही सही सर, ठीक सर, अब समझ में आ गया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। अमीन अली, अच्छा नहीं सॉरी बाद में चल, ठीक है। अब मैं जल्दी से जो जो पढ़ाया है मैं देख लूँ आप लोगों को क्या समझ में आया, मैं किसी का भी नाम लेके कोई भी सवाल कर लूंगा। सबसे पहले मेरे सामने आ रहे हैं सलार, अपने माइक को जरा अनम्यूट कर लीजिएगा, कोई भी बंदा क्लास छोड़ के ना भागे, 2 मिनट रुक जाए, आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं जाना। जी सलार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सलार, ये तो बताएं यार कि ये कॉमर्स और ई कॉमर्स होता क्या है? सर कॉमर्स उसे कहते हैं जिसमें हम आम तौर पर लेते और बेचते हैं, और ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसमें हम इंटरनेट के जरिए अपनी मार्केटिंग मतलब करते हैं अपनी। ठीक है, जरा अहमद सही से अपने माइक को म्यूट कर ले सलार,
अहमद अगर अपने माइक को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, सही साहब ये सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? सर ट्रेडिंग को कॉमर्स बोलते हैं, बाय एंड सेलिंग की एक्टिविटी को, और अगर ये ट्रेडिंग आपकी ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो इसको ई कॉमर्स बोलेंगे। ठीक है अहमद सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमारे पास मौजूद है मोहसिन शाह। मोहसिन शाह आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। मोहसिन शाह साहब ये तो बताइएगा सर, ये एफबीटी क्या होता है? सर FBT शॉर्ट फॉर्म है, फुलफिलमेंट बाय दराज की। जब हमारी परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल 500 टू 1000 चली जाती है पर मंथ पे, तो दराज हमें ऑफर करता है कि आप अपने कुछ पीस हमें बेच दें और वो अपने फिर उसके क्या कहते हैं वो पैकेजिंग हमारी मेन है, तो उसमें पैकेजिंग मटेरियल्स की बचत हो जाती है, वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं और उधर से वो फिर देखते हैं, हमें सिर्फ अपने सिर्फ उस पर अकाउंट पर नजर रखनी होती है और वो बाकी काम सही करते हैं। बहुत जबरदस्त मोहसिन शाह साहब। अच्छा 500,000 वाली रिक्वायरमेंट नहीं है आपके, कुछ ऑर्डर आते हैं 50-100 ऑर्डर भी आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा जी आप अभी हमारे पास स्क्रीन पे आ रहे हैं कौन? सहरिश आरिफ। जी सहरिश, सहरिश जरा ये तो बताइएगा, पहले ये बताएं मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। यस सर। वालेकुम सलाम। कोई मुश्किल सवाल निकालूं मैं, बहुत आसान हो गए। अच्छा सहरिश मुझे ये बताइएगा कि दराज सेलर सेंटर पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? दराज सेलर सेंटर में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? सर हमें शायद अपना नाम बताना है। शायद को छोड़ देना, शायद वाली कहानी है। अच्छा बताइए वर्चुअल मार्केट प्लेस। ओके वर्चुअल ये है कि जैसे कि हमारे पास दराज जैसे ये फिजिकल नहीं है, ये ऑनलाइन स्टोर है, और जैसे हमारे पास डॉलमेन। हेलो आपका आवाज आ रही है मेरी? जी सबको आ रही है आपकी आवाज। जी जी जैसे हमारे पास दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं जो फिजिकल हैं, वो वर्चुअल नहीं होंगे, जैसे दराज हो गया, हमारे पास अमेज़न हो गया, ईबे एटसी, ये हमारे पास वर्चुअल यस वर्चुअल मार्केट है। ठीक है। अच्छा जी मेरे पास अभी आ रहे हैं हमजा कुरैशी। हमजा आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी सर आ रही है सर। हमजा एक वो बात आपसे ये पूछनी थी कि वो दराज पे हम स्टोर बनाते हैं तो हमारी फीस कितनी लगेगी स्टोर बनाने के लिए? सर कोई फीस नहीं होती सर दराज में स्टोर बनाने के लिए। फिर दराज कैसे कमाएगा? स्टोर पे फ्री में दे रहा है तो दराज कैसे कमाता है? फिर दराज सर प्रोडक्ट के जरिए कमाते हैं, जो आप प्रोडक्ट देते हैं तो उसमें से कुछ फंड वो आप अपने पास रखते हैं। जब हम बेचते हैं जब कमीशन रखता है, वैसे दराज को नहीं कोई फीस नहीं, यही कहना चाह रहे ना? जी सर। ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी मेरे पास आ रहे हैं आखिरी सवाल, मैं कर लेता हूँ मोइज से। जी मोइज, मोइज मुझे ये तो बताइएगा यार कि पहले बताएं मेरी आवाज आ रही है? यार ये दराज वेयर हाउस क्या होता है? दराज वेयर हाउस वो होता है जिसमें दराज वाले एफबीडी का वो हमें देते हैं फैसिलिटी। ठीक है उनके गोदाम को वेयर हाउस कहते हैं शायद, है ना? गोदाम को। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आखिरी सवाल एक और मैं कर लेता हूँ। किस मोहम्मद वकार, वकार आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अरे भाई जी वकार आपको आवाज ड्रॉप हो रही है। ठीक है आवाज ड्रॉप हो रही थी, तो अब हम जा रहे हैं मुनीजा के पास। मुनीजा आपको आवाज आ रही है? ड्रॉप तो नहीं हो रही? जी सर नहीं हो रही है ड्रॉप। वो इन सबको ये बता दें कि नेक्स्ट क्लास का क्या कराएं? नेक्स्ट क्लास का सर आप अकाउंट क्रिएट करवाना सिखाएंगे? वो तो ठीक है वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इनको मैंने क्या ही बताया नेक्स्ट क्लास लेनी है। सर सॉरी मुझे मैंने सुना नहीं है वाला, क्योंकि मेरा नेट बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है,
जी आपने बताया था कि एनआईसी नेट सही हो रहा है, देखे देखे नेट सही हो रहा है, कोशिश करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद करें कुछ रिक्वायरमेंट्स में। जी सर आपने जो है ना वो कहा था, जी आपने कहा था कि लैपटॉप के अंदर आप पिक्चर होनी चाहिए, किसकी पिक्चर जो है ना एनआईसी मेरी सर, अरे लैपटॉप में नहीं मतलब जिसको अकाउंट बनाना है उसकी पिक्चर होनी चाहिए जो है ना, वो फ्रंट और बैक पिक्चर होनी चाहिए, और चेकबुक या जो है ना वो इजी पैसा का जो है ना वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, उसके अलावा उसके सजेस्ट कर कराएं। हाँ इसके अलावा पांच मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने नेक्स्ट क्लास लैपटॉप में ले लिया, नेक्स्ट क्लास में आपके लैपटॉप में आपने जिसके नाम पे अपना दराज का स्टोर बनाना है उसका एनआईसी का फ्रंट और बैक पिक्चर आपके लैपटॉप में पहले से, अगर आप बैंक अकाउंट पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास आपकी चेकबुक की तस्वीर पहले से होनी चाहिए, अगर चेकबुक पे नहीं बना रहे इजी पैसा पे बना रहे तो आपके पास इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, उसकी जो स्टेटमेंट की स्क्रीनशॉट वो आपके लैपटॉप में पहले से होनी चाहिए, आपके दिमाग में आपके दराज के अकाउंट के लिए पांच सर अगर मैं अपना एनआईसी शो करूं फ्रंट और बैक पिक्चर, नहीं आपने मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना है, मैं आपको यहां पे बताता जाऊंगा लैपटॉप, नहीं सर मेरा एक एक क्वेश्चन है कि अगर जो है ना चेकबुक मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने हस्बैंड की यूज कर लूं और एनआईसी मेरा हो तो ये चलेगा? नहीं दोनों सेम। अच्छा ठीक दोनों सेम है, ठीक है सर, ठीक ठीक हो गया। करना चाह रहे हो जी? जी अहमद जी बोलिए साहब, आपका हो गया shall I speak? Yeah. सर अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप बोल रहे हैं मैक्सिमम आप 4 प्रोडक्ट्स में डील करें, सही है, और आप जो मैं शॉप बनाऊंगा उसका भी स्पेसिफिकली नेम आप सजेस्ट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। मेरा एक सवाल है फॉर एग्जांपल, अच्छा मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं लेडीज की स्पेसिफिकली वो बैन है, सही है, अगर मैं मतलब ये 4 प्रोडक्ट की आप मुझे बात कर रहे हो, अगर मैं फिर फाउंडेशन उठाऊं, ठीक है एक सिंगल प्रोडक्ट फाउंडेशन है ना, ठीक है फाउंडेशन के अंदर कैटेगरीज हैं फिर, सही है, हर स्किन के हवाले से कोई फेयर है कोई डार्क है कोई माइल्ड है, तो उस प्रोडक्ट रेंज तो मैं रख सकता हूँ ना, या तो फिर वो एक ही प्रोडक्ट में एक ही जो है स्किन टाइप में स्किन का फाउंडेशन में सेल करूंगा। देखिए होता है क्या है, तो प्रोडक्ट अपलोडिंग सिखाऊंगा तो आपको ये बात रियलाइज होगा कि आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे ना जी, तो दराज का एआई आपको कैटेगरी खुद सजेस्ट करेगा कि किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो आप फॉर एग्जांपल फाउंडेशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिक एआई चेक करेगा कि भाई ब्यूटी को तो लोकल सेलर भेज ही नहीं सकता, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है तो मतलब रेंज में रख सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की? हाँ रख सकते हैं, जब मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा होलसेल वाले में आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगी जो ब्यूटी कैटेगरी के नहीं होंगे, तो आपको वहाँ पे होलसेल रेट भी मिलेगा और अच्छी प्रोडक्ट मिलेंगी बिकने वाली, ठीक है, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पे अच्छा काम हो जाए। और दूसरी चीज ये कि आप बोल रहे हैं मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट बैन है, इनके लिए आपको ट्रेडमार्क वगैरह जो आपने प्रोसेस बताया ठीक है सारी चीजें करनी होंगी, अगर मैं किसी ब्रांड की प्रोडक्ट मतलब रख रहा हूँ ठीक है सेल कर रहा हूँ तो उसमें तो मतलब मैं अपना ट्रेडमार्क कैसे बनाऊंगा, तो ब्रांड का ऑलरेडी आपको, आपको उस ब्रांड का परमिशन लेटर चाहिए होगा। अच्छा आप उस ब्रांड से परमिशन लेंगे कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को दराज पे बेचना चाह रहा हूँ, आपको एक लेटर बना के देगी, वो लेटर आपको दराज को दिखाना होगा कि भाई देखो मेरे पास इसका लेटर है। ब्रांड्स दे देते हैं मतलब लेटर्स, ये कोई इशू तो नहीं होता? बिल्कुल, अगर आप ब्रांड्स को अच्छे से अप्रोच करें उनको अपना आइडिया बताएं उनको बताएं कि आप कितनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं और आप उनसे कितने की इन्वेंटरी लेंगे तो डेफिनेटली आपको देंगे। वो तो एक अलग प्रेजेंटेशन से तैयार करनी पड़ेगी उनको पिच करने के लिए। बिल्कुल एक अलग एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी। चले ठीक है, उनकी फीस मतलब कुछ होती है ऐसी है, मतलब ये वो डायरेक्ट आपको सेल कर देते हैं, क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है, सही है,
जी, तो उसके लिए भी मुझे ब्रांड की मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर मैं ब्रांड से ही मतलब जो डायरेक्ट परचेसिंग करूंगा, फिर दराज पे अपलोड करूंगा या देखें होलसेल वेट देगा आपको कोई भी रिटेलर होलसेल वेट नहीं देगा, आप ब्रांड से परचेसिंग करेंगे, ब्रांड ही आपको लेटर देगा। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी हुजैर। अच्छा सर, ये है कि एक मिनट सर, सवाल बोल रहे हो मुझे लग रहा। अच्छा जी उजैर जा चुके हैं जी। मोहसिन शाह सर, जैसे आपने बताया कि इनसे परमिशन लेटर लेने की जरूरत करनी पड़ेगी, तो हमें वो अब जाके फिजिकली लेने पड़ेगा उनसे, जैसे अब जैसे बड़े ब्रांड्स हैं नाइकी और एडिडास हैं। आप उनको ईमेल के जरिए अप्रोच कर लें, अगर रिप्लाई आता है वो बोलते हैं अगर फिजिकल मीटिंग करो तो आप जाके उनकी कंपनी में मीटिंग कर आ जाए, वरना अगर वो ईमेल पर ही आपको लेटर दे देते तो अच्छी बात है। तो वो तो जब तक सबसे पहले स्टेज उसकी एफबीडी लगेगी और उसके बाद जब सेल्स शुरू होगी और मार्केटिंग ज्यादा स्टार्ट होगी, वो तो उसके बाद की बात है ना। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि वो जो आपने नाम सजेस्ट किया, आपने कहा कि 5 लेके आने, तो वो ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टा पे होने चाहिए ना? नहीं होने चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। ओके ठीक है, यूनिक, क्योंकि मेरे एक दो कजन ने पहले भी अगर कोर्स किए तो उसमें आपने शायद आई थिंक सो कहा था कि नाम एफपी और इंस्टा पे होने चाहिए, उसको थोड़ा सा चेंज करके आप ला सकते हैं। नहीं देखें, होता ये कि आप जो भी नाम सोच कर आएंगे ना दराज के लिए, इंस्टा पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इंस्टा पे एक यूजर नेम एक ही बार मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा जस्ट खरीदो, आप जस्ट खरीदो पहले से इंस्टा पे रजिस्टर्ड होगा, तो आपका दराज का स्टोर का नाम और आपके इंस्टा का स्टोर का नाम अलग अलग हो जाएगा, आपको खरीदो की स्पेलिंग बदलनी पड़ेगी, एक ई की जगह दो ई लगाने पड़ेंगे, हो सकता है जस्ट को लगाना पड़े, कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना पड़ जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि वो नाम लेकर आए जो पहले से इंस्टा पे अवेलेबल हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी। मुदस्सिर जिया जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, आ रही है आपकी आवाज। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा इजी पैसा का अकाउंट एक और सिम पे है, और मैं जो दराज का अकाउंट है वो और सिम पे खोलना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, और सर जिस सिम पे अकाउंट है अगर वो नंबर कुछ ऐसे के लिए पावर ऑफ हो, क्योंकि हमारे इधर एक ट्रेंड चल रहा है कि कॉल आती है, कॉल में वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सारा जो उसमें बैलेंस होता है ना वो उड़ जाता है, तो हम ज्यादातर जो है लोग यूज करते हैं कि इजी पैसे की ऐप बना ली, सिम बंद कर दी, ऐप के जरिए अपने अकाउंट को मॉनिटर कर लिया और कॉलिंग के लिए हमने एक अलग से सिम रखी हुई है, इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा? इसका भी कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो क्राइटेरिया आप सबने मैच करके आना है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेंसडे को, आपका क्या टाइमिंग है? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ना आप लोग, इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन 9 बजे आप लोगों की फिर से क्लास होगी और हम लाइव बैठ के इंशाल्लाह सबका दराज का अकाउंट बनाएंगे, जो चीजें कंप्लीट लेकर आएगा उसका अकाउंट बन जाएगा। अपना ख्याल रखेगा, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल रहा हूँ, जो लोग लेट आए जो लोग नहीं आए काइंडली आज की रिकॉर्डिंग लाजमी देखिएगा, वरना आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोग फिर जो है ना पूरे कोर्स के अंदर पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा।